कावाहीवा ट्राइब्स। दोस्तों हम आपको अमेजोन के जंगल में रहने वाले इस कावाहीवा ट्राइब्स के बारे में बताने वाले हैं। ब्राजील की अथॉरिटी के अनुसार इस जनजाति में करीब 50 लोग रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में इनकी संख्या और भी ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि अब इस जनजाति के लोग अपने बच्चों को पैदा नहीं करना चाहते हैं और इनका ऐसा करने की सबसे बड़ी वजह इनकी जरूरत की चीजों का ना होना बहुत बड़ी वजह है। इन जनजाति के लोगों को ये बात बहुत ही अच्छे से मालूम है कि आज नहीं तो कल यहाँ पर लकड़ियाँ काटने वाले आएंगे और इनके यहाँ की लकड़ियों को काट कर ले जाएंगे, और अक्सर ही इनके साथ ऐसा होता रहा है। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहाँ पर कई सारी लकड़ियाँ काटी जाती हैं और इस वजह से हमेशा इन्हें बार बार अपना घर बदलना पड़ता है। कई बार तो इन लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया लेकिन जिसका कोई भी फायदा नहीं मिला, और इस वजह से इन लोगों ने एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना छोड़ दिया है और इन लोगों ने अब हंटिंग और फिशिंग जैसी चीजों को अपना सहारा बना लिया है। और इन्हें मालूम है कि ये लोग अपने आने वाले जीवन में अपनी नई पीढ़ी को अच्छे से नहीं पाल सकते और इस वजह से ये लोग अब बच्चे पैदा नहीं करते, और जिससे ये चीज तो साफ है आने वाले समय में ये जनजाति पूरी तरह से गायब हो जाएगी। दोस्तों आपका इन ट्राइब्स के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं इतनी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और इस वजह से चैनल के व्यूज काफी ज्यादा गिर गए हैं। आपका सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से बहुत ही बुरा हाल हो चुका है, इसलिए दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि कृपया करके पूरी वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और आपको हेट करने में सिर्फ एक सेकंड भी नहीं लगता, इसलिए दोस्तों लाइक जरूर करना और चैनल पे जाकर और भी कई सारी वीडियो आप देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।